10। मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नेम और रियल नंबर, याज क्लास 9th में नंबर सिस्टम के नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, और उसमें नंबर के बारे में नेचुरल नंबर से स्टार्ट है और पूरे डिटेल्स में रियल नंबर तक पहुंचा है। हम उसी रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बताए थे एक्सेप्ट, हम शॉर्ट में रिकॉल कर देते हैं, लेकिन पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग को यस सुनना है। सेट सर, थ्योरी के नाम से ये बुक आगे पढ़ेंगे आप, और सेट थ्योरी के इंट्रोड्यूसर थे जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं उस क्लास में। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोल सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट इन रोस्टर फॉर्म। सेकेंड रूल फॉर्म। द अदर नेम ऑफ रोस्टर फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म, एंड द अदर नेम ऑफ रूल फॉर्म इज सिंबॉलिक फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सपोज देयर इज अ सेट ए हुज मेंबर्स आर ए ई आई ओ यू। हियर ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए पुट इन साइड कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा। सेकेंड फॉर्म रूल फॉर सेम सेट ए कैन बी रिटेन एज एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ वॉवेल इंग्लिश
अल्फाबेट। टेबलर फॉर्म में जितने भी मेंबर्स हैं उसको कोमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, लेकिन रूल फॉर्म में एक भी मेंबर को नहीं लिखा गया, सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी या रूल को लिखा गया। जो टेबलर फॉर्म में लिखे हुए सारे मेंबर को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज दैट एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इट मीन्स एक्स इक्वल टू ए, इट मे बी एक्स इक्वल टू ई, इट मे बी एक्स इक्वल टू आई, एक्स इक्वल टू ओ और एक्स इक्वल टू यू। इस तरह से हम लोग किसी भी सेट को मेनली टू मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबलर फॉर्म और रूल फॉर्म। टेबलर फॉर्म का अदर नेम था रोस्टर फॉर्म और रूल फॉर्म का दूसरा नेम सिंबॉलिक फॉर्म। फिर हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सेट। सबसे फास्ट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में वैसा सेट जिसके मेंबर काउंटेबल हो। सेकेंड डिस्कस किया था इनफाइनाइट सेट, जिसको गिन नहीं सकते हैं ना सर। हाँ ओके, जिसको जो अनकाउंटेबल हो, इनफाइनाइट नंबर जिसका मेंबर हो। और थर्ड डिस्कस किए थे एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। और इस एम्प्टी सेट और नल सेट को डिनोट किए थे एक सिंबल फाई से, और दूसरा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना दें, उसके अंदर कोई भी मेंबर को नहीं रखें। फोर्थ डिस्कस किए थे सिंगलटन सेट ओनली वन मेंबर, नो एनी अदर मेंबर प्रेजेंट। और फिफ्थ से डिस्कस किए थे पेयर से। इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, सपोज टू इनसाइड कर्ली ब्रैकेट ओनली वन मेंबर है, और पेयर सेट में एग्जांपल के फॉर्म में टू थ्री यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी पिछले क्लास में डिस्कस किए थे सबसेट के बारे में। उस सबसेट का हम थोड़ा सा हिंट करते हुए रिकॉल कर रहे हैं, और फिर टॉपिक पर हम आएंगे। सब सेट, सबसेट के बारे में तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन आज हम फिर रिकॉल कर रहे हैं। सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए आर आल्सो इन बी, देन सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल, सपोज सेट ए हुज मेंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 9 एंड अनदर सेट बी हुज मेंबर आर 1,
6, 7, 8, 9. See, in the above example, the all the members of set A are also in B. The member of set A2 are present in set B. Member 4 also present in set B. 6 also present in set B. 8 also present in set B. And 9 also present in set B. So, all the members of set A are also in B. Yani, सेट ए का जितना मेंबर है सारा का सारा मेंबर बी में भी प्रेजेंट है, इसलिए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक उसी तरह से सपोज करो जैसे इंडिया है तो इंडिया को एक सेट माने और बिहार को एक सेट माने, यानी बिहार के जो सिटीजन है उसको एक सेट मानेंगे और इंडिया के सिटीजन को दूसरा सेट माने। सेट ए के रूप में यदि बिहार के सिटीजन को लेते हैं और सेट बी के रूप में इंडिया के सिटीजन को लेते हैं, तो जो बिहार का सिटीजन है वह नेचुरली इंडिया का भी सिटीजन होगा। इंडिया सबसेट, इसलिए बिहार का जो सबसेट है वो, सॉरी, जो बिहार का जो सेट बना वह सबसेट होगा इंडिया का। यहाँ हम ए ले रहे हैं सपोज बिहार के लिए, तो बी लेंगे इंडिया के लिए, यानी बिहार का टोटल मेंबर इंडिया में है। yes, और इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये डिस्कस हम किए थे, इसी को थोड़ा ढंग से समझना है क्योंकि हम लोगों के नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर और होल नंबर का जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो नेचुरल नंबर का टोटल मेंबर होल नंबर में प्रेजेंट है। नेचुरल नंबर जैसे स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो टोटल नेचुरल नंबर आर आल्सो इन होल नंबर, सो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, आ रही समझ में? यस सर। इसीलिए इस सबसेट का रोल आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड हम इस पे डिस्कस किए थे प्रॉपर सबसेट। हम फिर डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट को। इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, ऑल द मेंबर ऑफ सेट ए आर also in B, but at least one member of set B which is not in A, set A, then set A is known as proper subset of set B. यानी यदि कोई दो सेट हो A और B, A का total member B में हो लेकिन B में कम से कम एक member वैसा हो जो ए में नहीं हो, तब हम लोग सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं, सेट ए का मेंबर दिए हैं, फिर सेट बी का दिए हैं, ए का टोटल मेंबर सेट बी में है लेकिन बी का मेंबर 1, 3, 5, 7 ये मेंबर ए में नहीं है, यहाँ एटलीस्ट वन मेंबर बोला जाता है, एटलीस्ट वन मेंबर फर्स्ट सेट में नहीं, तब हम लोग सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं वहां पर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट ए इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सबसेट था वहां पर सिर्फ डिफिनेशन में ये बोला जाता है कि यदि कोई दो सेट हो और सेट फर्स्ट सेट का टोटल मेंबर सेकेंड सेट में हो तो फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट के डिफिनेशन में बोला जाता है यदि दो सेट हो और फर्स्ट सेट का टोटल मेंबर सेकेंड सेट में हो
लेकिन सेकेंड सेट का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो फर्स्ट सेट में नहीं हो, तब फर्स्ट सेट को सेकेंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ऊपर जो एग्जाम्पल हम दिए हैं उसमें मोर देन वन मेंबर ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, इसीलिए सबसेट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और प्रॉपर प्रॉपर सबसेट को सब्जेक्ट भी का भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे सुपर सेट। इफ देर आर टू सेट्स ए एंड बी एंड ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, देन सेट बी इज नोन एज सुपर सेट ऑफ सेट ए एंड सिंबॉलिकली वी कैन राइट लाइक दिस, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। अब फिर आ जाओ अपने नंबर सिस्टम पे, जैसे नेचुरल नंबर है और होल नंबर का सेट है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इन होल नंबर, बट वन मेंबर ऑफ होल नंबर जीरो विच इज नॉट इन नेचुरल नंबर, देन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर ऑल्सो। आ रहा है समझ में? अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इससे पहले का दो क्लास लिए थे उसमें डिस्कस हो चुका है। सबकी सिंबल को याद रखना है, जो कौन सा प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं, कौन सबसेट के लिए यूज कर रहे हैं, और एक सिंबल और डिस्कस किए थे बिलोंग्स टू का, जिसे हम फिर से उसको हम डिस्कस कर देते हैं। सपोज देयर इज अ सेट ए हुज मेंबर इज ए ई आई ओ एंड यू। यहाँ ए सेट ए का एक मेंबर है, इसको इन सिंबॉलिकली वी कैन राइट लाइक दिस, ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी राइट साइड सेट को लिखेंगे। ई ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए, ई बिलोंग्स टू सेट ए, बट बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, सो वी कैन राइट बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। एक सिंबल हम लोग ये यूज किया था एप्साइलन, और एप्साइलन भी ग्रीक लेटर है जो कि एलिमेंट के फर्स्ट लेटर ई से रूपांतरित होकर के इस टाइप का सिंबल बना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल नया ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर, जिस तरह से मैथमेटिक्स में जनरल ऑपरेशंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन द सेम वे सेट में भी सेट का ऑपरेशन है और उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसज्वाइंट सेट्स के नाम से जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स में। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स। सिंबल में इसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, सपोज देर आर टू सेट्स ए हुज मेंबर आर टू थ्री फाइव सिक्स एट नाइन एंड अनदर सेट बी हुज मेंबर आर वन थ्री फोर सेवन एट नाइन।
Then set A union set B is also a set whose members are either from A or from B or from both. यानी यदि दो सेट दिया हुआ हो तब उसका यूनियन भी एक सेट होगा जिसका मेंबर या तो ए से होगा या बी से होगा या दोनों सेट से होगा. जैसे हम ए यूनियन बी यहां हम लिख रहे हैं तो वन ओनली फ्रॉम सेट बी, टू ओनली फ्रॉम सेट ए, थ्री फ्रॉम बोथ सेट, फोर सॉरी वन फ्रॉम सेट बी, टू फ्रॉम सेट ए, थ्री फ्रॉम बोथ, फोर फ्रॉम सेट बी, फाइव फ्रॉम सेट ए, सिक्स फ्रॉम सेट ए, सेवन फ्रॉम सेट बी, एट फ्रॉम बोथ, नाइन फ्रॉम बोथ, देन देयर इज अ सेट फॉर न्यू सेट फॉर ए यूनियन बी नोन एज ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सेट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन द अबव एग्जाम्पल देर आर टू सेट्स ए एंड बी. ए का मेंबर गिवेन है 2, 3, 5, 6, 8, 9. बी का मेंबर है 1, 3, 4, 7, 8, 9. अब इसके यूनियन से एक नया सेट बनेगा जिसको हम लोग सिंबॉलिकली ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे. ए यूनियन बी में हम वैसे मेंबर को ले रहे हैं जो या तो ए का है या बी का है या दोनों सेट का है. यहाँ वन सिर्फ बी का है, टू ए से है, थ्री दोनों से है, फोर सिर्फ बी से है, फाइव सिर्फ ए से है, सिक्स ए से, सेवन बी से, एट दोनों से और नाइन दोनों से. ठीक उसी तरह से इसको समझना है जिस तरह से सपोज करो तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट से क्रिकेट की टीम बनाई गई और फिर कुछ स्टूडेंट से फुटबॉल की टीम बनाई गई. अब ये कोई जरूरी नहीं है जो स्टूडेंट क्रिकेट टीम का मेंबर है वह स्टूडेंट फुटबॉल टीम का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यदि जो स्टूडेंट क्रिकेट टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है तो वैसी स्थिति में वह फ्रॉम बोथ सेट हो जाएगा. एक सेट बना तुम्हारा क्रिकेट टीम के प्लेयर का और दूसरा सेट बना फुटबॉल फुटबॉल टीम के टीम प्लेयर के का. प्लेयर का. और उसी में कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो दोनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो सिर्फ एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है. और तब फिर लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो यूनियन हो जाएगा उस समय में. जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ए का टोटल मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और बी के मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरह से यदि ए क्रिकेट टीम हुआ और बी तुम्हारा फुटबॉल टीम हुआ और दोनों में 6-6 मेंबर ही यहाँ इत्तेफाक से है तो 6-6 12 मेंबर टोटल होना चाहिए. लेकिन ए यूनियन बी में यदि हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओनली 9 मेंबर है. तो फिर क्वेश्चन उठा 12 मेंबर है दोनों मिला करके यानी फुटबॉल टीम का और क्रिकेट टीम दोनों मिलावे तो 12 मेंबर हो रहा है जबकि दोनों के यूनियन में हम लोग को सिर्फ 9 मेंबर हो रहा है. इट मींस कुछ ऐसे स्टूडेंट है यानी 3 स्टूडेंट ऐसा है जो क्रिकेट दोनों में खेल रहा है. हाँ गुड दोनों खेल रहा है वेरी गुड. ठीक उसी तरह से सपोज करो किसी बारात पार्टी में आप गए और टोटल बारात 100 है और उस बारात पार्टी में टी की भी स्टॉल लगी हुई है और कॉफी की भी स्टॉल लगी हुई है. टोटल बारात कितने गए 100
ठीक से समझना है इसको, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के अनुसार, तब ये बहुत ही इजी लगेगा। और इसी तरीके से इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है रियल नंबर से। बारात पार्टी में टोटल कितना है? 100%। हंड्रेड और वहां पर टी स्टॉल है और कॉफी स्टॉल है। जो टी पीने वाले, जो टी पसंद करते हैं, तो वहां पर कप को काउंट करके ये देखा जाता है जो कितना परसेंट चाय लिए और कितने परसेंट उसी तरह से कॉफी लिए। तो लास्ट में देखा गया जो 60% चाय पिए, यानी चाय की जो कप की खपत है 60 हो गई, 60, और 70 हो गया कॉफी का। तब जो घर वाले अरेंज जो कर रहे थे, वह जो 60 कप चाय की खपत हो गई और 70 कप कॉफी वाला खपत हो गया, तो दोनों को ऐड करने पर 130 हुआ। जबकि बारात में गया हुआ है टोटल 100%, तो फिर ये 30, तो इसका मतलब 30 जो है चाय पीने के समय में चाय भी पिए और कॉफी पीने के समय में कॉफी भी जाके पिए, वो कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन का कंसेप्ट आएगा, इन द लैंग्वेज ऑफ सेट, इन मैथमेटिक्स वी यूज इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन सेट्स। सेट नो नो, यूनियन दोनों को कंबाइन करेंगे, तब यूनियन जैसे ही करेंगे तो यस टोटल 100 आएगा। ओके सर यस सर और इंटरसेक्शन करेंगे तो जो 30 था वो 30 आएगा। जैसे इंटरसेक्शन किए, यानी चाय पीने वाले है और कॉफी पीने वाले दोनों जो थे, जिस तरह से फुटबॉल के टीम में भी जो था और क्रिकेट के भी टीम में था, वह इंटरसेक्शन होगा, जो कि हम लोग का दूसरा पार्ट होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे यू इन्वर्टेड करके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे, जो कि हम यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं सिंबल में। अब इसी को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, देन देयर इंटरसेक्शन इज ऑल्सो अ सेट हुज मेंबर्स आर फ्रॉम बोथ सेट। जिस तरह से वहां टी और कॉफी के लिए हम लोग को 30 ऐसा पर्सन मिला जो दोनों लिए, दोनों तरह के ड्रिंक पिए, उसी तरह से क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम में वैसा भी स्टूडेंट मिलेगा जो दोनों खेल तीन खेलता है। और ऊपर जो हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, वो जो अब तुम लोग खुद से, थ्री दोनों थ्री में, हाँ गुड, फाइव थ्री हाई फाइव फाइव, थ्री नहीं नहीं के बाद ठीक से एकदम इसको, गुड थ्री एट और नाइन वेरी गुड, थ्री एट नाइन 8 एंड 9, इट मीन्स देयर आर ओनली इंटरेस्ट थ्री मेंबर्स आर इन, प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है ना इंटरसेक्शन। यस सर अब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे लेकिन कॉमन कुछ भी ना निकल के आए, जैसे हम थर्ड में हम डिसज्वाइंट सेट दे रहे हैं, डिसज्वाइंट सेट्स। अब यहाँ सपोज देयर इज सेट एक्स हुज मेंबर्स आर 2, 4, 6, 8 एंड अनदर सेट वाई हुज मेंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9। नाउ इफ वी यूज एक्स इंटरसेक्शन वाई, देन व्हाट विल बी कॉमन इन बोथ सेट एक्स एंड वाई? थिंक एंड गिव सर आंसर। नो अ सिंगल मेंबर इज कॉमन, नो कुछ भी कॉमन नहीं है सर गुड वेरी गुड। एंड इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एन एम्प्टी सेट, देन बोथ सेट्स आर नोन एज डिसज्वाइंट सेट्स। हियर सेट एक्स एंड सेट वाई आर डिसज्वाइंट सेट
Because the intersection of set X and Y is an empty set or I. इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कनेक्ट करके देखें मैथ में, तो इवन नंबर का सेट लो और ऑड नंबर का सेट लो। इवन नंबर के सेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, और ऑड नंबर के सेट में 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब यदि यूनियन हम लोग उसका यूज करते तो हम लोग को नेचुरल नंबर मिल जाता, लेकिन इंटरसेक्शन यदि हम लोग यूज करें तो नो अ सिंगल मेंबर इज कॉमन, देन द सेट ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर आर डिसजॉइंट सेट। आ रहा है माइंड में? इतना सेट का इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। अब हम आपके चैप्टर पर पहुंच रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन के रूप में था, जितना हम लोगों को रियल नंबर में यूज होगा सेट का सिंबल प्रॉपरली सब अब माइंड में सेट कर गया होगा। हम लोग सिंबल कौन कौन सा सिंबल यूज किए थे हम उसको रिकॉल करते हैं। इस टाइप का सिंबल यूज किया, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इस टाइप का सिंबल यूज किए थे एप्साइलन बोलते हैं इसको, इसे डज नॉट बिलोंग टू। फिर एक सिंबल यूज किया फाई, ये एम्प्टी सेट के लिए। फिर ये इस टाइप का सिंबल यूज किया, ये हो गया सबसेट। फिर ये सिंबल यूज किए, इस सिंबल को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। एक सिंबल ये यूज किया, ये सुपर सेट के लिए। और यूनियन यूज किए इस तरह से, और फिर इंटरसेक्शन यूज किए। इंटरसेक्शन थोड़ा सा इसे नहीं, यू इसी को इन्वर्टेड अपसाइड डाउन इस तरह से यूज करना है, यू इन्वर्ट कर देना है। ओके हाँ ओके बोलो। डिसजॉइंट वाला थोड़ा समझ में नहीं अच्छा से, हाँ इसलिए डिसजॉइंट सेट। हम फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। यस सर। यदि कोई टू सेट हो और दोनों सेट में एक भी मेंबर कॉमन नहीं हो तब दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ जो हम एग्जांपल दिए हैं सेट एक्स लिए हैं जिसमें मेंबर लिए हैं 2, 4, 6, 8 ठीक है। यहाँ सीधा बोलना है इफ देयर आर टू सेट्स हुज इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट देन बोथ सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक है ओके। जैसे अब इवेन नंबर का सेट लिए थे और ऑड नंबर का सेट लिए थे, क्या इवेन नंबर कोई भी ऐसा इवेन नंबर है जो ऑड नंबर हो? क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो इवेन नंबर हो? नो सर। नहीं है ना। तो दोनों का इवेन नंबर और ऑड नंबर का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? डिसजॉइंट सेट्स। हाँ नहीं हम रिजल्ट पूछे, डिसजॉइंट सेट ने बोलेंगे बेटा उसको। इवेन नंबर और ऑड नंबर के इंटरसेक्शन इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा जाए। इवेन नंबर इंटरसेक्शन ऑड नंबर इक्वल टू एम्प्टी सेट फाइव, ये जो लिखे हैं सिंबल हम लोग ये दे देंगे, यही आंसर होगा हम लोगों का। या ये जो कर्ली ब्रैकेट डाल दिए और उसमें कोई भी मेंबर नहीं दिए, वह एम्प्टी सेट या नल सेट इस तरह से दिखाएंगे। और इस तरह का मैथ में हम लोग को बहुत एकदम आसान सा एग्जाम्पल है इवेन नंबर और ऑड नंबर का, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा जहाँ पर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ ओनली वन मेंबर कॉमन होगा, जैसे ही वन मेंबर कॉमन आएगा तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, जहाँ टू मेंबर कॉमन आएगा तो पेयर सेट बोलेंगे, जहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर कॉमन आएगा तो इनफाइनाइट सेट, और जब काउंटेबल में रहेगा तो फाइनाइट सेट बोलेंगे। इतना ही सेट का यूज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में लेंगे।
अब हम रियल नंबर यानी आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हम स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर को। यस सर। ओके, रियल नंबर। रियल नंबर पर पहुंचने से पहले हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले, मान लो कोई बच्चा है तो उसको मैथ सिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सिखाते हैं उसको, मान लो नर्सरी एलकेजी का बच्चा है और उसको मैथ सिखाना है, स्टार्ट करना है मैथ, तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं उसको? काउंटिंग। गुड, तो काउंटिंग सिखाते हैं। और काउंटिंग वो कहाँ से करता है? वन से, वन यस टू सर। थ्री, इस तरह से। तो जो यस सर। काउंटिंग नंबर्स है उस काउंटिंग नंबर को सेट के लैंग्वेज में एक स्पेशल नेम दिया गया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल और कोई नंबर। पूछ, गुड, नेचुरल नंबर। और कोई पूछेगा डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो एकदम सिंपल वे में बोलना है काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी नंबर्स हाँ गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक कहते हैं। संख्या। गुड, प्राकृत और प्राकृतिक संख्याएं। ओके, यस यस सर। नेचुरल नंबर, ओके, प्राकृत संख्या। संख्याएं, प्राकृत और प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, दोनों यूज कर सकते हैं, प्राकृत भी ले सकते हैं और प्राकृतिक भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ फिर हम लैंग्वेज ऑफ सेट्स में आ जाएं। जिस तरह से हम लोग सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज किए थे, यहाँ भी नेचुरल नंबर का एक फैमिली तैयार है, सेट तैयार है, जो काउंटिंग नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट यानी प्राकृत संख्याओं का जो सेट है उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। जहां भी आप कैपिटल एन देखेंगे समझ जाएंगे इट इज नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर। गुड, अब इस नेचुरल नंबर को सेट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। क्या ये सेट बना? यस सर। नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। जब तक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज नहीं करते हैं तब तक सेट नहीं मानेंगे। जिस तरह से फैमिली के लिए यूज होता है उसी तरह से इस सेट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट लगाना मस्त है। अब ये सेट बना, वैसे तो सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके छोड़ दिया, जैसे ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए तो इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक चीज और सोच के बताना जो है, जो कोई अगर पूछे सेट जो, होगा तो सर, अगर सेट होगा तो उसमें कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। हाँ मस्ट है, जो जब हम लोग टेबलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वह कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए, यानी जस्ट लाइक एक फैमिली की तरह, जिस तरह से यस कोई सर। यस फैमिली होता सर। है उसकी बाउंड्री, घर की बाउंड्री बनी रहती है, ठीक उसी तरह से यहाँ बाउंड्री के रूप में हम लोग कर्ली ब्रैकेट या जो ब्रासेस है ये यूज करते हैं। ब्रासेस को हटा दे तो वो ओपन हो गया, खुला। यस यस सर। ओके, अब ये नेचुरल नंबर का कोई पूछे जो, व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहला वन। प्राकृत संख्या, वन। अब कोई पूछे जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो क्या हम लोग जवाब इनफाइनाइट। दे पाए? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। तो और इस तरह से यदि कोई पूछे जो कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, तो सिंपल सी भाषा में बोलना है, यदि कोई बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या आप देते हैं और उसमें हम लोग यदि एक ऐड करें तो हमको उस
अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस वे में वन को ऐड करते चले जाएंगे और उससे आगे वाली सक्सेसर उसको बोलते हैं, यानी आगे वाली आने वाली संख्या मिलती चली जाएगी और इस तरह से कभी भी हम लोग ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पर नहीं पहुंच पाएंगे। और टोटल इनफाइनाइट मेंबर्स है इसमें, इसलिए यह इनफाइनाइट सेट हुआ। तो अब नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो क्या आंसर होना चाहिए? फाइनाइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हाँ यस सर गुड, इनफाइनाइट हाँ इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसका मेंबर अनकाउंटेबल है। यस सर यस सर और इसी नेचुरल नंबर से हम लोग पार्ट निकालेंगे। सबसे फर्स्ट निकाल रहे हैं इवेन नंबर, और इवेन नंबर का डेफिनेशन होगा सच नेचुरल नंबर विच आर डिवाइडेड कंप्लीट बाय बल टू टू। गुड, यानी इसी नेचुरल नंबर में से हमको देखना है जो कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो जो दो से भाग लग जाए। कंप्लीटली टू से, हाँ टू से डिविजिबल हो कंप्लीटली। यस अब सर इसी में से सोच के देखो, जैसे वन, क्या वन टू से डिविजिबल होगा? नो सर नहीं। फिर टू, तो टू टू से डिविजिबल होगा, इसलिए यस सर फर्स्ट इवेन नंबर टू, इस उसके बाद फोर, सिक्स सिक्स, एट एट, टेन टेन एंड सो ट्वेल्व ऑन, बहुत सारा है। हाँ एटसेट्रा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। एटीसी ओके, से एटीसी दे सकते हैं ना। ETC नहीं देना है बेटा, ETC का मतलब तो कुछ और, यहाँ एंड सो ऑन यानी हम लोग अनंत तक चले जाए, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए थ्री डॉट यूज करना है। यस फर्स्ट डॉट के लिए बोलते हैं एंड सो ऑन, यानी आगे आते चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसके लिए, वो लिख रहे हैं जनरल फॉर्म, जो हम लोग को यूज आएगा प्रूफ करने में। बहुत सारी चीजें हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, उसको प्रूफ करने के समय में जो यूज आएगा, इसी इवेन नंबर के सेंस पर हम लोग लेंगे, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन इवेन नंबर इज टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां हम नीचे लिखे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर इज टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की मीनिंग समझ में आ रहा है? यहाँ कैपिटल एन जो है वह सेट को डिनोट कर रहा है और स्मॉल एन जो है वह उस सेट यानी नेचुरल नंबर के सेट के मेंबर को डिनोट कर रहा है। अब सपोज करो इस ये जो जनरल फॉर्म टू एन है, इस एन के जगह पर यदि फर्स्ट नेचुरल नंबर रखे वन, तो टू इंटू वन इक्वल टू टू, तब हम लोग इवेन नंबर का फर्स्ट मेंबर टू मिलता है। सपोज इस एन के जगह पर सेकेंड नेचुरल नंबर टू रखें, टू, तो टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर जो कि सेकेंड इवेन नंबर मिलेगा। अब यदि हम इसी तरह से थर्ड नेचुरल नंबर को डालें, तो टू इंटू थ्री, सिक्स, थर्ड मेंबर मिलेगा इवेन नंबर का। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन इवेन नंबर इज टू एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ कोई पूछेगा जी ये एन क्या है? नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दे इस एन के जगह पर, और तब टू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वह इवेन इवन होगा। नंबर तो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट, इसी से निकालना है नेचुरल नंबर से ही, क्योंकि अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर पर डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें टॉपिक अब आगे लिख रहे हैं ऑड नंबर। यस
ऑड नंबर। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सच नेचुरल नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय टू, टू टू आर नाइन कॉल्ड ऑड नंबर। व्हाट नंबर? फॉर एग्जाम्पल वन, वन इज वन डिविजिबल थ्री बाय टू फाइव और नॉट? सेवन नॉट डिविजिबल बाय टू वन गुड, वन थ्री फाइव फाइव सेवन सेवन नाइन इलेवन गुड एंड सो नाइन ऑन। अब यहाँ भी जनरल फॉर्म इसका हम लोग को लिखना है। आप लोग अब थिंक कर सकते हैं जो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जिस तरह से इवेन नंबर का जनरल फॉर्म यूज किए 2n, ठीक उसी तरह से ऑड नंबर का भी जनरल फॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर। फिर हम दूसरा डिफिनेशन देंगे तो वहां पर चेंज करेगा। ध्यान रखना है ये जितने भी जनरल फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं अभी वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर पर लिख रहे हैं। यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर इज टू एन माइनस वन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ अब टू एन माइनस वन यहाँ यूज किए हैं, इस एन के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखो। सपोज करो फर्स्ट नेचुरल नंबर वन पुट किए, टू इंटू वन माइनस वन, तो टू इंटू वन टू माइनस वन इक्वल टू वन, वन वन इज द फर्स्ट वन ऑड नंबर नंबर। गुड, अब सेकेंड नेचुरल नंबर पुट करो इस एन के प्लेस पे, टू टू इनटू टू 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 फोर जा माइनस फोर वन थ्री वन थ्री, गुड सेकेंड ऑड नंबर थ्री इज मिल द वन गया। नंबर यस सर उसी तरह से थर्ड पुट करो, थर्ड नेचुरल नंबर थ्री, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव, वी गेट थर्ड ऑड नंबर। इस तरह से टू एन माइनस वन जो है वो जितना भी ऑड नंबर है सबके लिए अप्लीकेबल है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर, जहां स्मॉल एन जो यूज किए हैं कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग एन बिलोंग्स टू सेट एन, यानी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर का सदस्य है। अब इसके बाद इवन नंबर और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म एकदम माइंड में समझ में आया? यस इवन नंबर सर का जनरल फॉर्म टू एन और ऑड नंबर का जनरल फॉर्म टू एन माइनस वन, माइनस वन और ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान रखना है ये नेचुरल नंबर के आधार पर ये जनरल फॉर्म है। फिर हम लोग होल नंबर लेंगे तो वहां हम लोगों का चेंज करेगा। अब थर्ड प्राइम नंबर इसी नेचुरल नंबर से निकालना है, प्राइम नंबर हिंदी में बोल सकते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या जैसा कि नाम से ही क्लियर है जो यस अभाज्य हो यानी, जो और भाग मालूम हाँ लेकिन इसकी परिभाषा देंगे तो हम लोग बोलेंगे वैसी प्राकृत संख्या, और सिर्फ वैसी प्राकृत संख्या बोलेंगे तो ये भी इनकम्प्लीट होगा। यहीं पर लगाना है एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक अथवा खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, यानी सच नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ यस सर इटसेल्फ। यानी अब लेकिन यहाँ शुरू में ही जो फर्स्ट सेंटेंस यूज किए थे जो एक से बड़ी प्राकृत संख्या, यानी सच नेचुरल नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन, तो वन से ग्रेटर नंबर हुआ टू। अब टू पर हम लोग ये चेक करें जो टू किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो टू नंबर टू जो है वह डिवाइड हो रहा है वन से और वन से खुद और से इटसेल्फ टू से, तो यस क्या सर टू प्राइम नंबर होगा डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली? यस सर गुड।
तो फर्स्ट प्राइम नंबर निकला टू। नेक्स्ट तुम लोग ढूंढ के बताओ। पहला प्राइम नंबर दो, नेक्स्ट उसी में से नेचुरल नंबर में से निकालना है। थ्री थ्री गुड, ठीक है। उसके बाद फाइव, गुड। सेवन सेवन सेवन, नेक्स्ट, गुड, इलेवन नेक्स्ट थर्टीन, थर्टीन सेवनटीन गुड, नेक्स्ट क्या सेवनटीन उसके बाद 23 बीच में एक मिस नाइनटीन कर रहा है। नाइनटीन हाँ नाइनटीन गुड, 19, 23 23 एंड सो ऑन। ये भी हम लोग बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग इवन नंबर का जनरल फॉर्म लिखे, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म लिखे, अप टू टिल डेट नेचुरल सॉरी प्राइम नंबर का कोई भी जनरल फॉर्म अभी तक नहीं निकल पाया है। हम चाहेंगे जो हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे से पढ़े जो प्राइम नंबर का भी जनरल फॉर्म दे दे। क्या सोचेंगे आप लोग? यस आप लोग इस सर पर सोचिए। यदि सोच लिए इसका भी जनरल फॉर्म निकल के आ गया तो आप भी ग्रेट मैथमेटिशियन में आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी मेथड्स इस पर अप्लाई किया गया वह प्राइम नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए प्राइम नंबर का आज तक के डेट में कोई जनरल फॉर्म नहीं बना है। और ठीक इसका अपोजिट, यहां तक समझ में आ गया है, यस सर जो नेचुरल नंबर पढ़े थे उसी नेचुरल नंबर से हम लोग निकाले इवेन नंबर, उसी से निकाले ऑड नंबर, उसी से निकाले प्राइम नंबर। क्या इवेन नंबर का जो सेट है वह सब सेट है नेचुरल नंबर का? सोच के बताओ। इवन नंबर सब हाँ सबसेट बताए थे ना, हम फिर से हम सबसेट को दोहरा रहे हैं। यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक मेंबर बी में भी हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। यहाँ इवेन नंबर का टोटल मेंबर नेचुरल नंबर में है। यस गुड, तो इवेन नंबर का सेट सर नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। यस सर गुड, ठीक सोचो तो क्या प्रॉपर सबसेट होगा? नो सर ओ थोड़ा सा माइन्यूटली सोचो, ठीक से इसका मतलब नहीं समझ रहा है। फिर से हम रिकॉल करते हैं प्रॉपर सबसेट को। यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तब सेट ए को सेट बी का प्रॉपर प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब यहां सोच के देखो, टोटल इवेन नंबर नेचुरल नंबर में है यस सर लेकिन बहुत ये सारा अभी भी नेचुरल नंबर है जो इवेंट नंबर में नहीं है, नहीं है यस इसलिए सर इवेंट नंबर इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर गुड, आया माइंड में अब? यस और सर फिर प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब फिर इंटरसेक्शन की बारी आई और यूनियन की। यदि इवेंट नंबर और ऑड नंबर का यूनियन हम लोग करें, दोनों को मिला के सेट बना दे इवेन नंबर और ऑड नंबर का, तो कौन सा सेट बनेगा? यूनियन सेट नो नो, हम फिर से क्वेश्चन सुनो। इंटरसेक्शन नो नो नो, फिर से सुनो। इवेन नंबर द सेट ऑफ इवेन नंबर, यूनियन द सेट ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू व्हाट?
नेचुरल नंबर। अब ये बताए थे जो दो सेट को मिला दिए जो सेट बना, यहाँ इवेन नंबर और ऑड नंबर के टोटल मेंबर को मिला दे, उसके कॉम्बिनेशन से सेट तैयार करे, तो नेचुरल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा गुड। लेकिन इसके यहाँ, इंटरसेक्शन से निकाले तो नहीं बनेगा। कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो इवेन नंबर इंटरसेक्शन ऑड नंबर इक्वल टू 5, रिजल्ट क्या होगा? 5, यानी एम्प्टी सेट। ओके, यहाँ समझ में आ रहा है? यही चीजें देखनी है हमको आगे भी, ये कौन सबसेट बन रहा है, कौन प्रॉपर सबसेट बन रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमको कॉमन मेंबर निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यही इवेंट नंबर इंटरसेक्शन ऑड नंबर, नो अ सिंगल मेंबर इज कॉमन, सो इवेंट नंबर एंड ऑड नंबर, द सेट ऑफ इवेंट नंबर एज वेल एज द सेट ऑफ ऑड नंबर ए आर डिसजॉइंट सेट, यानी एक भी मेंबर कॉमन नहीं नहीं होगा।